हाय फ्रेंड, आज मैं ये दरिया का मच्छी, इसको हम मैंगलोर के साइड पे कोड्डाई बोलते हैं, मैंने 1 केजी इतना लिया है। अभी मैं इस मच्छी का फ्राई करूँगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आज आप लोगों को ये वीडियो फ्राई करने का दिखाऊंगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैंने 1 केजी मच्छी लिया है। इस मच्छी अभी मैं साफ करूँगा। इसमें मेरे को 5 मच्छी मिला है 1 केजी में। अभी मैं अच्छे से साफ करूँगा ये मच्छी। देखिए, कोई कोई इस मच्छी का सर भी डालता है। मैं सर नहीं डालूँगा, सर फेंकूँगा मैं। देखिए, पेट का अंदर का भी अच्छे से क्लीन करूँगा। देखिए, अच्छे से साफ किया। सब मच्छी मैं ऐसे ही साफ करूँगा। देखिए, मैंने ये 5 मच्छी को अच्छे से साफ करके पानी पे धोकर लाया हूँ। अभी मैं इसको मसाला लगाऊँगा। ये मसाला लगाने के लिए मैंने 1 स्पून रेड चिल्ली पाउडर लिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है। टेस्ट के अनुसार नमक 1 स्पून, कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और विनेगर मैंने लिया है। देखिए, पहला मैं ड्राई करके अच्छे से मिक्स करूँगा, बाद विनेगर डालूँगा। देखिए, ये सब मैंने अच्छे से मिक्स किया है। सब अच्छे से लगाऊंगा मसाला में। देखिए, सब मच्छी मैंने मसाला लगा के रखा है। अभी इसको मैं आधा घंटे ऐसे रखूँगा, उसके बाद मैं फ्राई करूँगा। आधा घंटे ऐसे रहने दें। ये मैंने एक तवा लिया है। तवा गर्म होने के बाद मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। देखिए, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। अभी मैं आधा घंटे के लिए रेस्ट पर रखा था ना मच्छी, ये मैं एक एक मच्छी निकाल के अच्छे से फ्राई करूँगा। देखिए, ये तवे पे मैंने फ्राई होने के लिए मच्छी रखा है। अभी अच्छे से फ्राई होने दे एक साइड पे।
एक साइड फ्राई होने के बाद दूसरे साइड भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगा। देखिए एक साइड तो अच्छे से फ्राई हो गया है ये मच्छी। देखिए दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो गया। मैं अभी इस मच्छी को निकालूंगा। देखिए निकाल के और एक प्लेट में डालूंगा। से दो मच्छी बचा है तो मैं थोड़ा सा तेल डालूंगा मैं फिर से। अच्छे से फ्राई होने दे।